कौन देखिए उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, चूंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाईकोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, आज हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इलीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर स्कूल कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि इस यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगी तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिसेज आदि जारी किए गए थे, जो वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, वो सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है।